सर आज के असेंबली इजलास के बारे में बताइएगा, कैसा है इजलास रहा? इजलास तो हलफ के लिए था और नुक्ता एतराज़ हमारी तरफ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पहले ही उठाया गया, जो कि स्पीकर ने बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद टेकअप नहीं किया कि हाउस में बहुत सारे आउटसाइडर बैठे हुए थे और उसके बारे में उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसी वजह से आप देखा कि कंटिन्यूसली बार बार स्पीकर डाइस को अप्रोच किया गया कि जो लोग गलत तरीके से इस असेंबली में आए बैठे हैं फॉर्म 47 की बुनियाद पर, उन्हें बाहर निकालें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज के इजलास के बारे में आप ये क्या कहेंगे कि ये कानूनी था, आइनी था या गैर आइनी आज इजलास हुआ? देखिए, इजलास तो कानूनी तकाजे के मुताबिक ही बुलाया जाता है, मगर जो मेंबरान बैठे हुए थे उन पर हमें बिल्कुल तहफ़ था कि वो मेंबरान हैं ही नहीं। स्पीकर ने उनसे हलफ किस तरह से लिया कि एक फॉर्म 45, एक डॉक्यूमेंटेशन जिसमें अंगूठा प्रेजाइडिंग ऑफिसर का लगा हुआ है, उसको गलत कैलकुलेट करके हारे हुओं को जो तीसरे चौथे नंबर के थे उनको जिता के आप बिठा रहे हैं असेंबली में, ऐसे कैसे हो सकता है? सर, खान साहब की कमी तो ज़ाहिर महसूस हुई होगी, आपके जज्बात क्या थे पीटीआई के अरकान के? पूरी असेंबली में इमरान खान ही होता रहे। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।